हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ करेंगे, राजस्थान के करंट अफेयर कवर करेंगे आज, मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस। तो ये टोटल 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ है और टोटल इसमें 20 टेस्ट हम करने वाले हैं और इसका पहला टेस्ट है। तो एक बार फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है, पूरा वीडियो देखना और बताना कि करंट अफेयर की आपकी कितनी तैयारी और 50 में से आप कितने सही कर पाते हो। सारी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चंस कवर करेंगे, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, हर एग्जाम में करंट अफेयर आता है। और इस तरह के नए नए वीडियो अगर आपको लेने हैं तो इस बटन पे ओके कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ होंगे राजस्थान के टॉपिक पर या करंट अफेयर के जितने भी वीडियोज़ होंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, राइट। तो फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। करना क्या है, हमेशा की तरह प्रत्येक क्वेश्चन का ऑप्शन बताना है कॉमेंट करके कि कौन सा सही होगा, और लास्ट में आपका टोटल स्कोर बताना है। पहला हमारा है कि महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जी पुरस्कार जो दिया गया है वो किसको दिया गया है। महाकवि कन्हैयालाल सेठिया जी पुरस्कार मिला है अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा को। तो अरविंद कृष्ण जी को ये पुरस्कार दिया गया है, तो बी आपका राइट आंसर। दूसरा है कि हाल ही में घोषित पद्म पुरस्कारों में राजस्थान के कितनी हस्तियां हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ठीक है, कितने को, पांच हस्तियों को दिया गया, ये पांच हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, तो बी आपका राइट आंसर। तीन है कि हाल ही में मेल्टन में आयोजित प्रतियोगिता में अपूर्वी चंदेला ने स्वर्ण पदक जीता था। अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है, ठीक है, तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। और कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है जो मेटन में प्रतियोगिता हुई थी उसमें। चार नंबर आपका है कि CAA के साथ ही NPR में हुए संशोधन के खिलाफ संकल्प पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया था। ठीक है, तो CAA के साथ जो NPR था उसमें संकल्प पारित करने वाला पहला राज्य जो था वो था राजस्थान, एक नंबर आपका राइट आंसर। पांच है कि राजस्थान के कौन से धावक है जिन्होंने 87 दिन में 4035 किलोमीटर की दौड़ कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। नाम बताना है उनका जिन्होंने 87 दिनों में 4035 किलोमीटर दौड़े थे, सोफिया खान नाम है उनका, तो राइट आंसर आपका एक नंबर हो जाएगा। छह नंबर आपका है कि हाल ही में अमेरिका की वर्ल्ड ओपन वॉटर स्विम एसोसिएशन द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए राजस्थान की किस महिला को चुना गया था। ठीक है, तो राजस्थान की कौन सी महिला थी, भक्ति शर्मा को चुना गया इसके लिए, एक नंबर राइट आंसर। सात नंबर की राज किसान साथी पोर्टल जो है ये राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया है, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, तो राज किसान साथी पोर्टल है ये राजस्थान सरकार ने किया है, बी आपका राइट आंसर। आठ की राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन है वो कहां पर हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह जो है ये राजधानी जयपुर में हुआ था, एक नंबर आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजस्थान का दूसरा सोलर पार्क है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा। दूसरा सोलर पार्क है वो नोखा में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही आंसर। 10 नंबर की देवनारायण स्कूटी योजना का संबंध है वो किस से है। देवनारायण स्कूटी योजना का संबंध है अनुसूचित जाति से रिलेटेड है, तो राइट आंसर आपका एक नंबर। 12 के हाल में राजस्थान का पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था वो कौन से हॉस्पिटल में किया गया, तो MS हॉस्पिटल जयपुर में किया गया था। ठीक है, तो जयपुर में, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 13 नंबर कि वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन है वो राजस्थान के किस जिले में किया गया। वर्ल्ड फेस्टिवल म्यूजिक आयोजन ये हुआ था उदयपुर में, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 14 है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जन सेवा अभियान की शुरुआत की थी, किस जिले से की थी। जन सेवा अभियान की शुरुआत हुई थी जयपुर से, कहां से, जयपुर से, तो सी आपका राइट आंसर। 15 नंबर आपका है कि हाल ही में जयपुर प्रवासी संघ का 14वें वार्षिक महोत्सव का आयोजन है, राजस्थान के किस व्यक्ति को इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। एक तो कि जयपुर प्रवासी संघ का कौन सा सम्मेलन हुआ था, तो 14वां, और किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो गुलाब कोठारी जी को, एक नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान के किस कृषि विज्ञान केंद्र को सम्मानित किया गया है, तो कृषि विज्ञान केंद्र जो सरदार शहर का है उसको सम्मानित किया गया है, बी आपका राइट आंसर। 17 है कि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में एवरग्रीन स्टार अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है। एवरग्रीन स्टार अचीवमेंट अवार्ड दिया गया प्रेम चोपड़ा जी को, तो राइट आंसर आपका एक नंबर। 18 है कि राजस्थान का पहला हेमेटोलॉजी विभाग है वो कहां पर बनेगा, ये बनेगा जोधपुर जिले में, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 19 नंबर की स्वर्ण जयंती उपहार योजना का संबंध किससे है। स्वर्ण जयंती उपहार योजना है आवासन मंडल से संबंधित,
आवासन मंडल एक नंबर आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान में पंचायती राज चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए किस जिले में अपना वेब पोर्टल तैयार किया है, और ये अपना वेब पोर्टल तैयार किया है हनुमानगढ़ जिले में, सी आपका राइट आंसर। अगला है कि हाल ही में जेके लोन हॉस्पिटल नवजात शिशुओं की मृत्यु के कारण चर्चा में रहा था, ये कौन से जिले में है, और यह कोटा में है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राजस्थान का पहला जैविक गांव कहां पे बनाया गया है, पहला जैविक गांव ये बना है जयपुर जिले में, जयपुर राइट आंसर आपका एक नंबर इसका सही आंसर। और नेक्स्ट आप क्या है कि राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा सुविधा वाला जो न्यायालय भवन है वो कहां पर है, सौर ऊर्जा सुविधा वाला न्यायालय ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 24 है कि किस राज्य के द्वारा राइट टू हेल्थ कानून लागू किया जाएगा, राइट टू हेल्थ कानून है ये राजस्थान सरकार, एक नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पहली बार पंचायती राज चुनाव सर्वाधिक चरणों में होंगे, कितने चरणों में होने हो रहे हैं, ये चार चरणों में, तो सी आपका राइट आंसर। हाल ही में आयोजित राजस्थान स्टेट गेम्स में किस जिले ने सर्वाधिक पदक जीते थे, स्टेट गेम्स में सबसे ज्यादा पदक जीते थे जयपुर राज्य ने, जिले ने, एक नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया, कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार राजस्थानी भाषा के लिए भरत ओला जी को, भरत ओला जी को, एक नंबर राइट आंसर। भारत की पहली जो आईआईटी जो टेक एमबीए प्रारंभ करेगी उसका बताना है, तो ये जोधपुर वाली करेगी, जोधपुर राइट आंसर का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में आयोजित होने वाले राज्य खेलों का उद्घाटन किसने किया, राज्य खेलों का उद्घाटन अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री, राइट आंसर का बी हो जाएगा। पश्चिमी फ्रेट कॉरिडोर में डबल स्टेकर ट्रेन का ट्रायल रन किया गया, यह ट्रेन है वो राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी मदद स्टेशन से चलाई जाएगी, मदद स्टेशन है वो राजस्थान में किस जिले में है, यानी रेवाड़ी से मदर, रेवाड़ी हरियाणा में और मदद स्टेशन राजस्थान में कहां पर है ये बताना है, तो ये है अजमेर में, ठीक है, अजमेर में, तो अजमेर से हरियाणा रेवाड़ी कह दीजिए, डी आपका राइट आंसर। अगला है कि हाल ही में कौन सा लड़ाकू विमान सेवानिवृत्त हुआ जिसे बहादुर नाम से जाना जाता है, और ये बात है MiG-27 जिसको बहादुर नाम दिया गया है, किस राज्य ने 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया था, और ये राजस्थान सरकार ने लिया था, एक नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु बड़े पैमानों पर उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग है वो शुरू कर दिया है, और किस राज्य सरकार ने किया है, तो ये किया राजस्थान सरकार के द्वारा। नेक्स्ट आपका है कि गणतंत्र समारोह 2020 में राजस्थान का झांकी विषय क्या है, ठीक है, झांकी विषय तो ये है जयपुर विश्व विरासत, जयपुर विश्व विरासत, एक नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड फेस्टिवल का आयोजन कहां पे किया गया, बर्ड फेस्टिवल का आयोजन हुआ था उदयपुर में, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 27वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन है वो कहां पर किया गया, और 37वीं का ये बीकानेर में होता है, तो बीकानेर में किया गया था हाल ही में, डी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि हाल ही में राजस्थान के किस पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष की मृत्यु हो गई थी, और देवेंद्र सिंह की मृत्यु हुई थी हाल ही में, तो राइट आंसर आपका एक नंबर। नेक्स्ट है कि हाल ही में मिस दीवा राजस्थान 2020 का खिताब किसने जीता था, मिस दीवा ये जीता था आदिति शर्मा के द्वारा, एक नंबर राइट आंसर। अगला है कि हाल ही में चीन पीस इंडिया के द्वारा जारी आंकड़ों में राजस्थान का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, और सबसे प्रदूषित शहर है जोधपुर, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान के किस व्यक्ति को बेस्ट इलेक्ट्रोल अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और ये किया गया इंद्रजीत सिंह को किया गया था, एक नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का हाल ही में कौन सा संस्करण जयपुर में हुआ, और हाल ही में हुआ था 13वां संस्करण, डी आपका राइट आंसर। कि किस राज्य सरकार ने राज्य में पहला जैव प्रौद्योगिक पार्क बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना की योजना बनी है, और ये कहां पर, किस राजस्थान सरकार ने की है, तो राजस्थान सरकार की, बी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान का पहला एग्जोस्टिक पार्क है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा, एग्जोस्टिक पार्क बनेगा नाहरगढ़ में, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। 45 है कि न्यूयॉर्क टाइम्स वर्ष 2020 में घूमने के लिए दुनिया के टॉप प्रमुख पर्यटन शहरों में भारत का एकमात्र शहर कौन सा शामिल है, और वो है जोधपुर शहर, डी आपका राइट आंसर।
46 के हाल में राजस्थान के किस व्यक्ति को हमिंग बर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? हमिंग बर्ड अवार्ड ये दिया गया था कि कैलाश चंद्र बिश्नोई को, कैलाश चंद्र बिश्नोई, सी आपका राइट आंसर। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में राजस्थान का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट में राजस्थान है वो तीसरी पोजीशन पे है, तीसरे स्थान पर, सी आपका राइट आंसर। अगला है कि गणतंत्र दिवस 2020 की पूर्व संध्या पर राजस्थान के किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? और ये किसको किया गया था? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किन किन को किया गया है? सौरभ श्रीवास्तव को किया गया है, गोविंद गुप्ता को किया गया है, दोनों को किया गया है, तो उपरोक्त दोनों कह सकते हैं, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि राजस्थान की विद्या देवी पुनरावास ग्राम पंचायत की सरपंच चुने जाने के बाद राजस्थान की सबसे उम्रदराज सरपंच बन गई है, उनकी उम्र क्या है? तो उनकी 97 ईयर, डी आपका राइट आंसर। अगला है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में 4,800 खरब लीटर के पानी के भंडार मिले हैं? और ये मिले हैं बाड़मेर जालोर क्षेत्र में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राइट। इसके अलावा अगर आप राजस्थान पुलिस पटवारी की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो एक ही पीस में और बहुत ही कम पीस में आपकी तैयारी करवाई जाती है, अनकेडमी प्लस पर रजिस्ट्रेशन कर लेना, जहां पर आपको 100 टेस्ट होंगे, 100 क्वेश्चन की, ये 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज राजस्थान पुलिस पटवारी के लिए तो शुरू हो रही है जल्दी। इसके अलावा फुल कोर्स भी होगा थ्योरी वाइज, प्रत्येक टॉपिक का, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप 3 महीने के लिए, 6 महीने या 12 महीने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जब भी रजिस्ट्रेशन करें तो यहाँ पर रेफरल कोड यूज करना है प्रहला सारण के नाम से और अप्लाई कर देना है, ताकि 10% आपको क्या हो जाएगी, छूट मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्रेडिट होंगे यहाँ पर, उससे भी आपको और छूट मिल जाएगी, और कंटिन्यू करके रजिस्ट्रेशन कर लेना, रेफरल कोड देना मत भूलना, वहाँ पर आपका फुल कोर्स होगा थ्योरी वाइज प्रत्येक टॉपिक का, साथ में टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर सब कुछ मिलेंगे। 40 से टीचर आपको तैयारी करवाते हैं अलग अलग एग्जाम की, ठीक है। और इसके लिए ये वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि ये टोटल 20 टेस्ट की सीरीज है वो भी हम कवर करेंगे, राइट। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। इसके अलावा इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है मैंने, अगर इंस्टाग्राम पे मुझे ऐड नहीं किया अभी तक तो कर लेना, ठीक है। थैंक यू।